अच्छा बिक्री हो रहा है? अब नहीं हो रहा है, 100-150 रुपया बेचे। 100-150 बेचा है ना। चलो अभी आज से तो मेला की शुरुआत हुई है, बिक जाएगा इंशाल्लाह। कैमूर जिला से। कैमूर जिला से। तो तस्वीर में देखिए ये धनवार है, वो राज धनवार जो ऐतिहासिक राजघाट में छठ मेला यहाँ होती है और बड़े व्यापक रूप से होता है। लेकिन कोई तैमूर से आए हैं, बिहार शरीफ से आए, बिहार से आए हुए हैं और यहाँ दो दिन तीन। शमसुद्दीन भाई आप बताइए, धनवार के बगल से आप है, आप यहाँ आए हुए हैं, क्या कहेंगे इस छठ घाट को लेके या छठ पर्व को लेके? जानते हैं कि यह त्यौहार बहुत सुकून वाला त्यौहार, मुसलमान लोग छठ मनाता। तो राज धनवार छठ घाट पे तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं कि इस वक्त जो है कोडरमा लोकसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंदर राय जी पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहते हैं छठ घाट को लेके, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि राजघाट जो है ऐतिहासिक छठ घाट है, इस वक्त आप यहां पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे लोगों को आप? मैं यही कहूंगा कि धनवार की पहचान राजघाट के छठ उत्सव से हुआ है और यहां के हर घर के एक एक सदस्य इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़ा हुआ है। जो आज पवित्रता और प्रेम की भावना आज जो देखने को मिलती है धनवार में और जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए, उनके प्रति भी कि जो आए हैं उनको कोई असुविधा नहीं हो, किसी प्रकार का उनको कोई अपमान नहीं हो, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, तो ये वास्तव में धनवार के एक एक घर के लोगों ने यहाँ इस त्यौहार को एक सबके लिए आकर्षण का केंद्र बनाया है। और मैं समझता हूँ आध्यात्मिक और धार्मिक उत्सव मानव जीवन के नैतिक मूल्यों को ऊंचा उठाता है, जो दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं उठा सकता है। तो आज वास्तव में ये जो उत्सव है ये आध्यात्मिक चेतना को भी बढ़ा रहा है, हमारे संस्कार को ऊंचा कर रहा है और निम्न भावनाएं या ईर्ष्या की भावनाएं को समाप्त कर रहा है। तो ये धनवार की एक अनुपम पहचान है और इसलिए आज हम सबके प्रगति की कामना करते हैं। जैसा कि पटना में हम देखने को जो मिल रहा है, खबर में भी देखें कि पटना छठ घाट का एक बहुत बड़ा चित्र जो है वहाँ लगाया गया है पटना में, मैं समझता हूँ कि धनवार का जो छठ घाट है, राजघाट है, यहाँ पूरे झारखंड में एक ऐतिहासिक है, तो क्या ये चीज़ें भी कहीं एक संजो के रखने योग्य है झारखंड के किसी एक स्थान? मैं एक बात बताता हूँ कि धनवार की जो विशेषता बनी है ये ठीक है, यहाँ सामर्थ्य के अनुसार लोग यहाँ की भव्यता बढ़ाते हैं, परंतु यहाँ के लोगों की जो पवित्र भावना है और उसमें आने वाले लोगों को जो लोग सत्कार करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि धनवार से जुड़े हुए और आसपास ग्राम से जुड़े हुए लोग जो पूरे हिंदुस्तान में जाकर रोजगार कमाते हैं, वो भी अपने इस यहाँ के छठ की विशेषता का वर्णन करते हैं और उसके कारण दूसरे दूसरे राज्यों से लोग यहाँ देखने आते हैं। तो पटना राजधानी है, वहाँ बहुत बड़ा आयोजन हो सकता है, परंतु भावना का जो सागर हमारे यहाँ उमड़ता है, मैं समझता हूँ कि वो किसी से कमज़ोर नहीं है, किसी से कमज़ोर नहीं है। यानी कि संग्रहालय में मैं समझता हूँ कि राजघाट की भी चित्र होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और मैं कहा ना कि ये यहाँ एक भी व्यक्ति अपने आप को वंचित नहीं कर पाता है, वंचित नहीं कर पाता, सब लोग जुड़ते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक। आज एक अभी मुझे एक व्यक्ति दिखा रहे थे कि मेरी नतनी 3 बरस की है, उसको यहाँ नहीं लाया तो घर में रो रही है। और हमको अच्छा लगता है कि यहाँ बाद में अर्घ के बाद में सभी समुदाय के लोग भी आकर के इसका आनंद लेते हैं, ये बड़ी बात है। और मैंने कहा ना कि ये वास्तव में यहाँ पर सभी प्रकार के तनावों को मुक्त करने के लिए धनवार राज धनवार घाट का जो छठ उत्सव है वो सभी प्रकार के तनावों को मुक्त करने के लिए है, मुक्त करने के लिए जी। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में राजघाट की तस्वीर हम आपको यहाँ दिखाएंगे, राजधनवार की, जो आप इस वक्त शाम हो चुकी है, चूँकि शाम की बेला में अभी जो जितने भी छठवर्ती थे वह जो सजा हुआ था डलिया वो अपना अर्घ देके अभी डूबते हुए सूर्य की अर्घ देके वो अभी लौट चुके हैं, लेकिन यहाँ की जो सजावट है, साज सज्जा है, जो लगभग ऐतिहासिक है, वर्षों से चली आ रही है, प्रत्येक वर्ष अलग अलग चित्र आपको अलग अलग साज सज्जा देखने को मिलेगा। और यहाँ के जो समिति है, समिति का एक बहुत बड़ा रोल है कि यहाँ की समिति बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और झारखंड में पूरे प्रदेश में इसको एक ऐतिहासिक बनाते हैं।
तस्वीरों में आपको स्पष्ट दिख पा रहा है कि कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं, चाहे वो छठ का डलिया लेके हो, चाहे वो यहाँ का छठ राजघाट की मेला देखने के लिए आए हो, लेकिन जो आते हैं बहुत ही सुंदर ढंग से सजा हुआ है। जो देखिए अभी जो शाम की जो छठा है, जो आप कह सकते हैं कि ये रोशनी है, किस तरह से अपनी जो है सो सुंदरता को बिखेर रही है, तस्वीरों में आपको स्पष्ट दिख पा रहा है। आप यहाँ की राजधनवार की जो समिति है, छठ घाट की जो समिति है, उन्हें मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह की जो है चीज़ें यहाँ के तमाम झारखंड प्रदेश के लोगों को आप दिखाने का प्रयास करते हैं, और लोग आते हैं और आनंदित होते हैं। छठ भी महापर्व जो है एक ऐसा पर्व है कि लोग जो है बड़ी श्रद्धा सुमन के साथ जो है सो इसको मनाते हैं। ये इतिहास में के पन्नों में भी दर्ज है, लगभग कह सकते हैं कि हजारों सालों से, हजारों हजार सालों से छठ पर्व की शुरुआत हुई है, और आज धूमधाम से लोग इसको मनाते हैं। आइए क्या कुछ कहते हैं लोगों से भी हम जानने का प्रयास करते हैं छठ पूजा को लेके। आप आज राजघाट पहुंचे हुए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम हैं धनवारे के रहने वाले हैं। धनवारे के? जी जी जी। लगभग कितने सालों से, वर्षों से यहाँ ये घाट सज रहा है छठ को? ये बहुत दिन से सज रहा है। लगभग लगभग मतलब हम लोग को तो नहीं, छोटे से हम लोग देख रहे हैं इसको, लगभग सैकड़ों सालों से। हाँ 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 हाँ, करे करे हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस छठ घाट को लेके? भव्य है, मैंने असीम की है पूरा, मतलब कि इसमें सबको मन जागृत कर देता है, भव्य भी होता है। राजधनवार ऐसा छठ लगता है कि झारखंड में हम लोग कहीं नहीं देखे, कहीं नहीं है, मतलब लगता है कि हम कहीं आए हुए हैं। और जिस तरह से छठ पर्व जो है दिल को सुकून देता है, मन तन क्रम वचन सारा कुछ, सारी इंद्रियां जिस तरह से एक जगह से एकदम पूरा सुकून देता है, छठ घाट पे आने के बाद भी ऐसा मनोरम दृश्य लगता है बहुत, एकदम लगता है कि सब कुछ करके छठ मैया के ऊपर पूरा एकदम ये हो जाए ना। चलिए दीदी भी हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं। दीदी खरीदारी में लगी हुई है, दीदी एक बार आइए आप। तो चलिए दीदी लोग शायद कैमरे के सामने आने से जो भी है, लेकिन ये दृश्य को आप देखिए कि यहाँ इस मेला की दृश्य को देखिए। मेला में आए छोटा सा नन्ना सा बच्चा, कहाँ से हो बाबू? बिहार से। बिहार से आए हो, क्या नाम हुआ? मोहम्मद इशराफ। अरे मोहम्मद इशराफ, देखिए मैंने बताया था कि ये छठ घाट जो है ना हिंदू मुसलमान लगभग सभी जातियाँ लोग मनाते हैं, एक ऐसा त्यौहार है जो लगभग सभी जाति मनाते हैं। बाबू ये बिहार से आए हो, कहाँ रहते, कहाँ हो यहाँ? दरबार में। दरबार में कितने दिनों से, मतलब ये स्पेशल आज मेला लगाने आए हो, पहले भी आए हो? हम पहली आए हैं। पहली पहली आए हो। अच्छा, ये मेला को देख के कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है ना। ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ हिंदू भाई का त्यौहार है तो मैं? सब भाई पंच लोग कर रहे, सब करते है ना, अच्छा लगता है। अच्छा बिक्री हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है, 100-150 रुपया बेचे। 100-150 बेचा है ना। चलो अभी आज से तो मेला की शुरुआत हुई है, बिक जाएगा इंशाल्लाह, समझते हैं कि बिक ही जाएगा। और आप कहाँ से हो भैया, आप भी आए? हम कैमूर जिला से। कैमूर जिला से। तो तस्वीर में देखिए ये धनवार है, वो राज धनवार जो ऐतिहासिक राजघाट में छठ मेला यहाँ होती है और बड़े व्यापक रूप से होता है, लेकिन कोई तैमूर से आए हैं, बिहार शरीफ से आए, बिहार से आए हुए हैं, और यहाँ दो दिन का जो मेला होता है दो दिन के मेला में आप बेचने आए हुए हैं। हाँ हाँ, इससे पहले तो आए होंगे? आते हुए हमारा यहाँ 4-5 साल हो गए। चार पाँच साल से आप आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस घाट की मेला को लेके? बहुत अच्छा भव्य है, यहाँ पंडाल जो भी बनता है बहुत अच्छा अच्छा बनता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा परदेसी साहू पड़ेगा ना। परदेसी साहू, बहुत अच्छा लगता है ना, इसीलिए प्रत्येक साल आप आ जाते हैं। दूर दराज से लोग आते हैं इस छठ घाट की मेला को, इतना मनोरम दृश्य है। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो समिति है ना, उस समिति को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करूँगा कि इनके वजह से इतने सुंदर व्यवस्थित ढंग से ये संभव हो पाता है। आप लोग कहाँ से हैं? हम लाल बाजार से हैं। लाल बाजार धनवार से। हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शमसुद्दीन अंसारी हुआ। शमसुद्दीन भाई आप बताइए, धनवार के बगल से आप है, आप यहाँ आए हुए हैं, क्या कहेंगे इस छठ घाट को लेके या छठ पर्व को लेके? ये छठ घाट जो है गिरिडीह जिला में समझिए तो सबसे अच्छा यहाँ पर होता है, यहाँ होता है। और छठ पर्व को लेके क्या कहेंगे? भीड़ भी बहुत ज्यादा होता है, त्यौहार बहुत शांति अच्छा से होता है, समझे ना, और लोगों को भी अच्छा लगता है। ये त्यौहार कैसा लगता है? त्यौहार बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। आप लोग में से कोई मनाते हैं? हम लोग मनाते नहीं है,
लेकिन हम जानते हैं कि यह त्यौहार बहुत सुकून वाला मतलब त्यौहार। मुसलमान लोग छठ मनाता है? नहीं नहीं मनाते हैं, मनाता है बहुत से जगह मनाते कहीं कहीं मनाते हैं, आस्था रखते हैं ना। दोनों समुदाय के लोगों का इस पर्व में महान आस्था है, लोगों को एक दूसरे के प्रति काफ़ी रुझाव है, और ख़ास कर राय धनवार जो है सो हमारे डिस्ट्रिक्ट में गिरिडीह जिला भर में ये कहना पड़ेगा कि बहुत ही उच्च स्तर कोटि का है, जो मैंने अत्यंत देखने के काबिल है, और बहुत ही लोग सौहार्द वातावरण में सारे औरत मर्द बच्चे बूढ़े तमाम लोग जिनको भगवान शक्ति दिया है, छठ माँ शक्ति दिया है, यहाँ अर्घ जरूर देने आते हैं, और लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों का मानना भी है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सारे लोग कहते हैं कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से राजघाट सजा हुआ है। और राजघाट की सजावट को लेके मैं बात करूं तो ये पूरे झारखंड प्रदेश का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक है। तो कैसा लगा यह खबर या राजघाट की ये तस्वीर, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा।